हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट संस्कृत लेसन 8, छात्रियों संवाद, छात्रों का संवाद। मैं आज आपको जो छात्रों की बातचीत होती है मैं वो बता रही हूँ। मोहना, तुम श्वः कुत्र गमिष्यसि, तुम कल कहाँ जाओगे। सोहना, अहम श्वः ग्रामं गमिष्यति, मैं कल गांव जाऊँगा। मोहना, तब ग्रामं कुत्र अस्ति, तुम्हारा गांव कहाँ है। मम सोहना, मम ग्रामं एतविंशति किलोमीटर दूरम अस्ति, तस्य नाम मीरापुरम अस्ति, मेरा गाँव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, उसका नाम मीरापुर है। मोहना, त्वं तत्र किं करिष्यसि, तुम वहाँ क्या करोगे। सोहना, तत्र मम जनका जननी चा वसता, वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। अहम तयो विविधेषु कार्येषु सहायतां करिष्यामि, मैं उनके साथ उनके अनेक कार्यों में सहायता कराऊंगा। मोहना, अधुना तत्र किं कार्य भवति, आजकल वहाँ क्या कार्य होता है। सोहना, अधुना तत्र कृषिकार्य तु न भवति, यथा कृषिकार्यस्य समय न अस्ति, आजकल वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है, वहाँ कृषि कार्य का समय नहीं है। वर्षाकाले कृषि कार्य भविष्यति, वर्षा काल में कृषि कार्य होता है। तथा क्षेत्रेषु बीजानि वपिष्यामः, तब वहाँ खेतों में बीज बोए जाते हैं। मोहना, तब ग्रामे कानि कानि अनानानि भविष्यन्ति, तुम्हारे गांव में कौन कौन से अन्न होते हैं। सोहना, मम ग्रामे वर्षाकाले मकुष्टतः द्विदुलं धान्यं च भवन्ति, मेरे गांव में वर्षा काल में मक्का दाल और चावल होते हैं। तथा शीतकाले गोधूम यवा चणका चा भविष्यन्ति, शीतकाल में गेहूँ जौ और चने होते हैं। मोहना, अहम अपि कदाचित तव सह तत्र गमिष्यामि द्रक्ष्यामि च, मैं भी कभी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा और देखूँगा। सोहना, अवश्यम अहम त्वां निशामि, हाँ जरूर मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा। मोहना, शुभम ते भवंतु, सब ठीक हो। तो ये चैप्टर है आपका, इसको आपको ढंग से रीड करना है, पढ़ाई करनी है इसको, और इसके जो शब्द अर्थ हैं वो अपनी कॉपी में करने हैं, और इसकी एक्सरसाइज भी आपको अपने आप फिल करनी है। ओके, और ढंग से इसको रीड करिएगा, लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।